इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई हो, घाटों पर लाशों की लाइनें लगी हों, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं अवेलेबल हो, ऑक्सीजन की कमी हो, पेशेंट्स ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हों। ऐसे में हमारे देश के ऑलमोस्ट सभी सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे की अपने लेवल पे जिस तरीके से हेल्प कर सकते हो हेल्प करने में लगे हों। लेकिन इसी बीच में हमारे देश के ऐसे भी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो पर्टिकुलर पार्टी के लिए ये ट्वीट करते हों कि आएगा तो मोदी। अब दोस्तों, इसमें इमेजिन करने जैसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में हमारे देश की इस वक्त हालत है। अब मैं इमेजिन करना ऐसा वर्ड क्यों बोला हूँ, क्योंकि आने वाले समय में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये टाइम जो है वो एक इमेजिनेशन का ही पार्ट रह जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत जाने माने अभिनेता हैं अनुपम खेर, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, कितना हो निगेटिविटी फैला लो, आएगा तो मोदी ही। आप समझ सकते हैं कि इनकी ऐसे टाइम पे जिस वक्त कितनी मतलब पैनिक वाली सिचुएशन हो, ऐसे टाइम पे कोई पर्टिकुलर पार्टी की प्रमोशन कर रहा हो तो वो किस तरीके का सोचता है। आपको पता है, पूरे विश्व में इकलौता हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे एक्टर्स की पूजा की जाती है, एक्टर्स की मंदिरें हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन का कोलकाता में एक मंदिर है जहाँ उनकी पूजा की जाती है, कर्नाटका में सुपरस्टार रजनीकांत का एक मंदिर है जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में एक्टर्स को इस लेवल पर रेस्पेक्ट दिया जाता है कि लोग उनकी मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो अगर वो एक्टर किसी की आके किसी बात को कहते हों तो आदमी, कोई भी जो उनके फ़ैन होंगे, बहुत आसानी से मान लेंगे, हाँ ये कह रहे हैं तो ये सही कह रहे होंगे। तो ऐसे में कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जो पर्टिकुलर पार्टी के लिए ट्वीट करता हो कि आएंगे तो मोदी, तो उस पर किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे देश के, अक्षय कुमार। मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन एज ए एक्टर हूँ। लेकिन उनका इमेज एज ए देशभक्ति, मतलब देशभक्त वाला है, क्योंकि बहुत सी पैट्रियाटिक मूवीज़ वो रिलीज कर चुके हैं, बहुत से पैट्रियाटिक मूवीज़ में उनको लीड रोल में एक्टिंग मिला है। अब आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि वो इतने बड़े देशभक्त हैं कि इंडिया के अलावा उनका कनाडा का भी सिटीजनशिप है। अब इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जिस वक्त एक पैनिक सिचुएशन शुरू हुई थी कोरोना वायरस की शुरुआत में, अक्षय कुमार उस वक्त बहुत एक्टिव थे, ठीक है, उस वक्त बहुत ज़्यादा कभी पुलिस के प्रति, कभी हमारे डॉक्टर्स के प्रति वीडियो बनाते रहते थे, कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते थे। अभी ये टाइम ऐसा है और कुछ ना कुछ डोनेट भी करते रहते थे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इवन उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें ताली थाली बड़े मतलब रोज जोश से उन्होंने बजाया था, बहुत दीवालों पर चढ़ के कूद कर बजाया था, तो वो वीडियो वायरल भी हुई थी। लेकिन आज का जब एक ऐसा पैनिक सिचुएशन है जिस वक्त लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है, बहुत कुछ मतलब बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक दूसरे को अपने ट्विटर हैंडल से, अपने इंस्टाग्राम, मतलब हर सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज करने से, किसी को प्लाज्मा चाहिए तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें, या इस टाइप की मतलब मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हेल्प करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त ऐसे सिचुएशन में आपको बता दें, अक्षय कुमार और भी ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ बहुत न्यूट्रल हैं। अब मैं अक्षय कुमार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो उनका इमेज एक बहुत बड़ा देशभक्त वाला है, और मेरे नज़र में उनका देश, वो असल में वो देशभक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक बस देशभक्त होने का एक्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि उनका खुद का मकान कनाडा में है, वो इंडिया में अपने आप को मतलब क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे वो बिल्कुल न्यूट्रल है। बस 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए, अब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म, अब उनसे कोई मतलब नहीं है। कहाँ इतने लोग मर रहे हैं, आप उनके ट्वीट जाके देख लीजिए, आप उनके इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, जितने हैं प्रोमोशन के ही उनके ट्वीट हैं, किसी को प्रमोट करने के लिए, और ऐसे टाइम पे बिल्कुल न्यूट्रल है। और मेरी राय में अगर कहीं आग लगी हो और कोई आदमी न्यूट्रल हो तो इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों के साथ खड़ा है जो ये आग लगा रहा है। ऐसे टाइम पे न्यूट्रल होना न्यूट्रल नहीं कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी एक और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, कंगना रनौत। ऐसे टाइम पे जिस वक्त इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, बाकी उनके बारे में आप लोग और भी जानते होंगे वो किस तरीके की हैं, अभी किस तरीके की हैं, पास्ट में तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनके बहुत सी मूवीज़ हम भी पसंद करते हैं,
लेकिन अभी के टाइम पे इस वक्त वो रेगुलर कुछ ना कुछ सिर्फ एंटी बीजेपी पार्टी इसको क्रिटिसाइज करने में लगी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सब चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब सेलिब्रिटी कुछ ट्वीट करते हैं या कुछ मैसेज करते हैं या कुछ कुछ भी मतलब सोसाइटी तक अपने देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, और अगर वो ऐसी बात पहुंचाएं जो वो गलत हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत, कुछ दिन पहले क्या, वो रोज़ ही कुछ ना कुछ फर्जी न्यूज़ ट्वीट करती रहती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि दिल्ली की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ऑक्सीजन नहीं बना रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं उसे इस्टेब्लिश करना चाहती है और ये दोनों सरकार नहीं इस्टेब्लिश करने दे रही है। अब आप बताइए क्या सिर्फ दिल्ली में और सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये क्राइसिस है? ये क्राइसिस पूरे देश में है, और हमें लगता है कि सभी एक्टर्स पूरे किसी रीज़न को, किसी रिलीजन को, किसी स्टेट को, मतलब किसी बाउंड्री को, किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के बीच में आके नहीं वो मदद कर रहे हैं। अगर हेल्प कर रहे हैं तो सभी की कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई रिलीजन, ये हिंदू है तो मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ हिंदू का ही हेल्प करूँगा, ये मुस्लिम है तो मैं सिर्फ मुस्लिम का, ये क्रिश्चियन है तो सिर्फ क्रिश्चियन का, नहीं। हमें लगता है सभी जितने भी लोग हैं, मैं खुद ट्विटर रेगुलर यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, तो लगभग सभी लोग सभी रिलीजन के सभी तरीके के लोग की हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे टाइम पे होना भी चाहिए एक दूसरे का हेल्प करना। जो भी प्लाज्मा डोनेट करना है, जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं जो डोनेट कर सकते हैं वो करें। तो बस यही कहना था कि हमारे देश में ज़्यादा एक्टर्स की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। एक्टर्स सिर्फ, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ हमें ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, कुछ चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे अभी कंगना रनौत की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो वो किस तरीके से दिखाती हैं, बीजेपी क्या ही अक्सर सपोर्ट करती रहती हैं, एंटी बीजेपी पार्टीज़ को अक्सर क्रिटिसाइज करती रहती हैं और बहुत फर्जी न्यूज़ों से क्रिटिसाइज करती हैं। जैसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यही दिखाया था कि दिल्ली में केंद्र सरकार वो दे रही है ऑक्सीजन और ये नहीं लगाना चाह रहा है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में फैक्ट चेक में ये पाया गया था, scroll.in के फैक्ट चेक में ये पाया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी जिम्मेवारी है पीएम केयर फंड से जो पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार की ही जिम्मेवारी है, वो ही लगाती है। अब ऐसा नहीं है कि यूपी में देखा जाए या कहीं और देखा जाए तो पूरे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, बाकी बस महाराष्ट्र और दिल्ली और कुछ ही जैसे राजस्थान जैसे जगहों पर ही बस नहीं है, बस ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की क्राइसिस हर जगह है, समस्या हर जगह है। तो मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सब अफवाहों से बचे रहें और एक्टर्स की बातों में आप खुद सोचें समझें कि कौन किस तरीके का है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बातों में ही ना आइए, बहुत से अच्छे एक्टर्स भी हैं, जैसे आयुष्मान खुराना है, वो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं भूमि पेडनेकर हैं, और भी मतलब मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब वो नहीं है, बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं और ऐसे टाइम पे एक दूसरे का बहुत ही मनोरंजन भी कर रहे हैं किसी तरीके से। तो बस इतना ही कहना था।